तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश की है कि मैं और शिवरा एक नहीं हो सकते, यही बात ना? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अगर सलमान ऐसी कोई बात करे, सर सर झूठ बोल रहा है तुमसे, उसकी बातों में मत आना। एक बात पूछूं बाबा आपसे, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? Of course, but what a stupid question. तो मेरे होते हुए हारून बेग से क्यों डर रहा है? मैं उससे नहीं डरता बेटा, तुम भी समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, इस पार्टी की जिम्मेदारी। मेरी मां की पार्टी है। हाँ, जुबैदा की पार्टी है, मेरी बीवी थी वो, शायद इसलिए मुझे ज्यादा एहसास है, शायद इसलिए मैं इस पार्टी के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता हूं। अगर अभी तो आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आज अम्मी जिंदा होती अपने मफाद का नहीं सोचती, मुझे नहीं कुर्बान होने देती। That's unfair, यार। That's unfair. अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप कल मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? मेरे होते हुए आपको और इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ट्रस्ट मी। वी ट्रस्ट यू। कल हम सुलेमान अहमद के घर जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। आई एम सॉरी बाबा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि इस मसले का कोई हल निकाल सके। ओवर माई डेड बॉडी, मैं आपको शिब्रा का रिश्ता लेकर जाने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। मैं कौन सा जाना चाह रहा हूं, मैं तो बल्कि समझ रहा था सुलेमान इस मसले का हल निकाल लेगा, लेकिन उसकी बेटी गले का फंदा ही बन गई है। एक बात बताएं, अगर आप शामिर के साथ नहीं गए तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कर लेगा? देखो मेरी, अगला साल इलेक्शन का साल है, और सच बात तो ये, हमारी पार्टी के बहुत बुरे हालात हैं, इसे सिर्फ जुबैदा सिकंदर के नारे बचा सकते हैं, और वो तब लगेंगे जब शामिर सिकंदर चेयरमैन बनेगा, और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं आई सी। मैंने तो ये सुना था कि मोहब्बत में लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, इसका तो बहुत तेज चल रहा है। तो फिर तुम अपना दिमाग चलाओ और बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि शिब्रा और उसके बाप दोनों को। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हमें सिर्फ शिब्रा का इनकार चाहिए, किसी की जिंदगी तो नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरी और शामिर की डील कॉम्प्रोमाइज हो।
तो फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए भी मेरे पास एक सलूशन है। भैया इसके सोल में सलूशन लगा के ना तो अच्छी तरह रहा, पीछे से वो उतर रहा है, देख ले, पॉलिश भी फिर बाद में कर ले। आजा जा, पॉलिश करनी है? हेलो साहब की, आपको जल्दी है क्या? साहब बोर हो रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ ठीक हो, कर रहा है। क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो हमारे साथ। चाय से ही काम चलाओगे क्या? खाने का बोला है, जैसे ही आता है तो मैं बताता हूँ। हेलो मिस्टर सुलेमान, तकलीफ के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या करती, आपसे इतनी जल्दी मुलाकात करने का और कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चाहे तो मुझे फरिश्ता समझ लें आप, शामीर सिकंदर की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि शामीर शिब्रा को पाना चाहता है जिंदगी बनके, और मैं शामीर को छीनना चाहती हूं शिब्रा की मौत बनके। शिब्रा का क्या लेना देना है सर, तुम चाहती क्या हुआ? अंकल ऊंची आवाज नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना सही से इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मेरा नाम है मेरीन बेग, हारून बेग की बेटी। हारून बेग, बल्कि शायद इससे भी बड़ा इंट्रोडक्शन है मेरा, मैं शामीर सिकंदर की किसी भी सूरत में होने वाली बीवी हूं, तो इसीलिए आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, और अगर फिर भी दिल ना माने तो बेशक बगावत करके देख लीजिएगा। मेरा कहा गया हर वो लफ्ज कितना सच बन के निकलेगा जो मैं अब आपसे कहने जा रही हूं। अब एरिन बस थोड़ी देर में मैं शामीर को लेकर निकलने वाला हूं। आप बेफिक्र होके जाएं, शामीर वहां से नामुराद होकर ही वापस लौटेगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? फिलहाल ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी थोड़ा सा डाउट में रहें, और ना आप ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत बदल गई मेरी, शायद वक्त या प्यार दोनों की मार इंसान को बिल्कुल बदल देती है।
पहले जैसा कुछ नहीं रहता दाऊद अंकल। एनीवेज ठीक है, गेट पे लगवा दी है सर सारी गाड़ी। ठीक है, देखते हैं कैसा चलता है। चले, हम रेडी। ओह नाइस, मैचिंग गुड। कैसा लग रहा हूँ मैं? डिफरेंट। थैंक यू। चले, गाड़ी की चाबी दो। सर बाहर प्रोटोकॉल तैयार है सर। अरे नहीं भाई, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे, मैं ड्राइव करूँगा। तो दो ना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आज। बस 5 मिनट और आ रहे हैं। इज ही ऑल राइट? जी ठीक है। हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं बस आ रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, मसला नहीं है, आप बैठ जाए। चाय? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इजी। सफिया जी, मैं चाह रहा था कि आज की गुफ्तगू मैं माजरत से शुरू करूं। आप प्लीज कोई तकल्लुफ ना करें, हम इंतजार करें। मैं लेकर आती हूँ। आती सुलेमान, क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए? आपको पता है ना शामीर के घर वाले आए हैं बाहर। किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती, चले। हाँ सुफिया तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शिब्रा के नसीब का फैसला करते हुए आप उसकी तरफ देखेंगे जरूर, और उसे जीने देंगे मरने नहीं। आ जाए। क्या बात है, आज तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो यार, बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ गरीब आदमी? जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है, वहां मेरे बाबा आए हैं, तुम उनको इग्नोर कर रही हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी, लगता है बिल्ली बन गई हो। नहीं मतलब ससुर बनने वाले से नहीं मिल रही। आपका मूड नहीं, ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है सुलेमान साहब ने भर मुझे गले लगाया, इसका मतलब समझती हो? दिल से गले लगाया। ला करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, पता नहीं दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच है मेरा दिल कितना घबरा रहा है। जी ये देखो, हाथ लगाओ मेरा दिल की धड़कन चेक करो, कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हाँ हमारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने की। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। ओह 5 सेकंड, ओह वो तो मेरे फेवरेट है। चलो स्टार्ट कर दे। एक, दो, तीन, चार, पांच, दो मिनट खत्म करते हैं। जाओ अभी से। यार रूठ क्यों हो रही हो तुम? जाओ ना। Thank you.
इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दाऊद अली खान साहब, आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। और जिस तरह आपने पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो वाकई काबिले सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा। लेकिन सर मैं सलमान अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही ये फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं। सर बेटी के बारे में सोचा उसकी मर्जी के बगैर? जी उसकी मर्जी के बगैर। क्या जरूरत थी? अभी इनको बुलाया है मुझे शर्मिंदा करने के लिए? हाँ देखिए सर, तुम तो बात मत करो, आप बात ना करें बरखुरदार, बनता नहीं है आपका बात करना। आज आपके घर शिब्रा का रिश्ता नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला आ रहा है, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि आप उसको डोली में बिठा के किसी और के घर में रुखसत तो कर सकते हैं लेकिन उसका जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं जोड़ पाएंगे। गए नहीं?
दिल नहीं जा रहा। अंदर आ जाओ कुछ खाने। तुमने खाना खा लिया? ओ, बाबा ने भी कुछ नहीं खाया। तुम्हारे बाबा ना झूठ बोलते हैं, घर में बोलते हैं खाना नहीं खाया, ऑफिस में सब खाते हैं, मैंने खुद देखा। ऐसे नहीं कहते, और बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई, तुम्हें बाबा से वाकई बहुत ज्यादा प्यार करती हो तुम। हाँ ऑब्वियसली, अब ये तो नेचुरल है ना। वो जाके बाबा को खाना खिलाओ, रात में आ जाएंगे, उनका इंतजार करो, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था जाओ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े जाओ। तुझसे पिया तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, यहीं पर अपनी मर्जी से। मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूं आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो प्रिया तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दू। दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस दाऊद। अगर मीडिया को पता चल गया कि पार्टी का चेयरमैन तुम्हारा बेटा शामीर एक मजनू बनकर किसी लड़की के घर के बाहर बैठा है, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यह कितना बड़ा तमाशा लगेगा? बात पार्टी की नहीं यार, कम से कम मैं उसे ऐसे नहीं देखता। और यही बात होती तो मेरे लिए फैसला बहुत आसान होता। अरुण, बात हमारे बच्चों की है, इसलिए हमें जरा ध्यान से फैसला करना पड़ेगा। तुम शायद ना मानो लेकिन ये सच है, मुझे शामीर से ज्यादा महरीन की फिक्र है। महरीन, डैम इट, इस वक्त मेरी बेटी जिस कर्ब से गुजर रही है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है दाऊद। एंड इवन इन दिस सिचुएशन वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रही है। एंड शेम ऑन यू, एक बेटे का बाप होकर भी तुम इतने मफलूज खड़े हो। प्लीज 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 जाओ यहां से, अभी चले जाओ, जब तक कोई अच्छी खबर ना हो। डोंट शो मी योर फेस अराउंड हियर। तो फिर मान क्यों नहीं लेती हो मेरी बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं? क्योंकि जिस रास्ते पे आप मुझे चलने को कह रहे हैं वो आपका रास्ता नहीं है बाबा। को याद है हम मुझसे एक बात कहते थे कि बेटा मेरे रास्ते पे चलना ना आसान नहीं है, यहां तुम्हें कदम कदम पे टेढ़े लोग टकरेंगे। तो आपको याद है वो आपको जवाब में क्या कहा करती थी? सीधे लोगों की तमन्ना है कि सह बाबा,
जो तो आप जैसे लोग पसंद हैं, जो हक का साथ देते हैं। लेकिन मैं वाकई नहीं जानती थी कि आपके रास्ते पे चलते चलते एक दिन मैं आपसे ही भिड़ जाऊंगी। गलत और सही की अदालत में भाभी के खिलाफ जाना पड़ेगा। मसला सही और गलत का नहीं है, मैं अपनी बेटी को मुश्किलात और दुश्मनों में गिरा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता फराज से तय करती हूँ। जितना तू जागे सोचे है हरे खोजे है बाहर जो भीतर है हरे जीवन है नदिया नैया भी जाने ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले। लेकिन सर अपनी जर्नी, वो मैंने तुमको बताया था ना कि वो शिब्रा को सीएसएस के एग्जाम में अपियर होना है, तो वो फेडरल ने अनाउंस कर दी है, अब अगर शादी डिले हुई तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा ना कहें, आप जानते भी हैं मैं आपकी बेटी को किस कदर चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बन जाओ और मेरी बात मान लो। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन सर मैं जहेज हरगिज नहीं लूंगा। जज़ाकअल्लाह। और हाँ, वो शादी की तकरीब जो है वो नहायत सादगी से होनी चाहिए, और इस बात का पास भी तुमने रखना है। सर आप बेफिक्र रहे हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। नहीं जीते रहो। अरे चाय ठंडी हो रही है, प्लीज आप बैठे। हाँ खुद ही खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में खुद ही खुद से मिले। कुछ खाया? नहीं, बाहर चलते खाना खाते हैं, फिर ड्रामे तो चलते रहेंगे। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, आ जा। क्या बात है? बात मानो भी। इससे कोई बात मत करना प्लीज। मेरी हर बात मानते हो ना? ये बात मानोगे कि नहीं?
तुम चले जाओ यहां से। सुन नहीं हो? सर ने बोला ना तुम। प्लीज अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुश्किल ना करो मेरे लिए, मजीद जाओ यहां से। ठीक है, तुम कहोगी आ जाओ, आ जाऊंगा। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूं मैं। तू जान ले।